नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है गुजरात के नर्मदा जिले से। जी हां, आज रोज गुजरात की ईडा विधानसभा सीट के विधायक और गुजराती फिल्म के कलाकार हेतु भाई कनोडिया ने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तथा उसके परिसर में आए हुए अलग अलग प्रोजेक्ट बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क, एकता मॉल, एकता नर्सरी, जंगल सफारी की मुलाकात ली। चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में हेतु भाई कनोडिया अपनी पूरी फैमिली के साथ उपस्थित रहे और अलग अलग विभागों का आनंद लिया। इस मुलाकात दौरान इडर के विधायक श्री हेतु भाई कनोडिया और उनकी धर्मपत्नी मोना बहन ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। 3 साल पहले केवड़िया कॉलोनी जब आते थे तो ये जो विस्तार था पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे सिर्फ पानी बह रहा है नर्मदा, कुछ ऐसा खास नहीं था। लेकिन एक विजनरी, एक अपने जिसने अभी नेतृत्व कर रहे हैं भारत का वैसे बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब ने ऐसे सोचा कि यहाँ पे एक ऐसी ह्यूज प्रतिमा, एक प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसे सरदार पटेल साहब की बनाया जाए और इस एरिया को पूरा इस तरह से विकसित किया जाए, ऐसा कि जहाँ पूरे देश से नहीं लेकिन दुनिया से लोग यहाँ पर आए और स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया, जो पूरे अपने विश्व के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा, वो भी अपने सरदार साहब की, सीधे सरोवर डैम को देख रहे हैं उस तरह से यहाँ पे प्रस्थापित किया गया। और उसके साथ साथ आजू बाजू के पूरे विस्तार को, किस तरह से ये आदिवासी विस्तार है, यहाँ पर कैसे लोगों को काम मिले और किस तरह से इसका ब्यूटिफिकेशन हो, इसको ध्यान में रखते हुए अब फ्लावर वैली बनाई गई है, कैक्टस पार्क बनाया गया है और उसके साथ साथ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल पार्क फॉर चिल्ड्रन, जो हम बच्चों को सिर्फ पार्क में, अम्यूजमेंट पार्क में खेलने ले जाते हैं लेकिन खेलने के साथ साथ संस्कार भी, अपने भारतीय संस्कार किस तरह से उनमें सींचे जाए, इसको ध्यान में रखते हुए ये चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क किया गया है, जहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें, गेम्स हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आ रही है, जो अभी के जो लेटेस्ट गेम्स हैं उन सारी चीज़ों को साथ में रखते हुए अपनी इंडियन जो अपनी जो संस्कृति है उसको साथ में, कैसे माँ का प्यार होता है, कैसे अपना खाना होता है, कैसे अपने दूध और गाय की एक अलग से एक हमारे संस्कार में किस तरह से हम लोग उनको इतना देते हैं, सम्मान देते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इस चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क में। तो मैं इन सभी, जैसे कि अभी प्रतीक भाई भी यहाँ पर हैं जो पूरा ख्याल रखते हैं पार्क का, और सारे जितने भी यहाँ के अधिकारी हैं, इतने भी यहाँ पे कर्मचारी लोग हैं, बहुत अच्छी तरह से जतन कर रहे हैं। एंड आई एम रियली रियली वेरी हैप्पी कि मेरे बच्चे, जो मेरा बच्चा है राजवीर 4.5 साल का मेरा और मोना का, तो उसको यहाँ पे लाए और बहुत इंजॉय कर रहा है। एंड ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तो देखने लायक है ही, मतलब वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, वो आपको यहाँ खुद आके देखना पड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअली 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है। और उसके साथ साथ ये ग्लो गार्डन है, बटरफ्लाई गार्डन, कैक्टस गार्डन, कितनी सारी चीज़ें देखने लायक है जो दिन में भी मज़ा आता है और शाम को जब थोड़ा उजाला कम होता है, लाइट होती है, तो लाइटिंग इतनी ब्यूटीफुल है। और ये जो चिल्ड्रन पार्क की हितु जी बात कर रहे थे वो इतना ब्यूटीफुल है कि न्यूट्रिशन पार्क इसको नाम दिया गया है, चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क। तो उसमें बच्चों को सिखाया जाता है कि किस मौसम में क्या फल फ्रूट खाना चाहिए और वो किस तरह से किसान खेती करके उगाते हैं, उसकी वैल्यू उन्हें दिखाया जाता है कि आप खाना वेस्ट ना करो, आप खाना हेल्दी खाओ और ज़्यादा मम्मा पापा को तंग मत करो खिलाने में। और ट्रेन राइड है बच्चों के लिए, इतनी सारी गेम्स, पर खेल खेल में सीख है। सो ये बहुत कम जगह होता है कि खेलना भी है और सीखना भी है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस टू विजिट।